हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिल्डिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटो कैड ड्राइंग और ऑटो कैड कमांड की मदद से बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को बिल्कुल आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल या आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं और अगर आप ऑटो कैड में बिल्डिंग का प्लान बनाना जानते हैं, तो आप रेक्टेंगल और एरिया कमांड की मदद लेकर बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में भी आपसे बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने बोल दिया जाता है, या फिर आपने किसी क्लाइंट के लिए मैप बनाया है तो वो भी आपसे पूछ सकता है कि बिल्डिंग बनाने में कितना ईंट लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ताकि अगर कभी आपको बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करना हो तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकें। फ्रेंड्स, बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स लगेगा वो कैलकुलेट करना होगा। 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स लगता है, इसका कैलकुलेशन जानने के लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया जाएगा कि 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स लगता है। आपके ड्राइंग का यूनिट्स जैसा होगा, आपको उसी यूनिट्स में कैलकुलेशन करना होगा। अगर आपका ड्राइंग इंच और फीट में बना हुआ है तो आपको 1 क्यूबिक फीट में कितना ब्रिक्स लगेगा वो कैलकुलेशन करना होगा, और अगर आपका ड्राइंग मीटर में बना हुआ है तो आपको 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स लगेगा वो कैलकुलेशन करना होगा। मेरे पास जो ड्राइंग बना हुआ है उसका यूनिट्स इंच और फीट है, इसलिए मैंने ऑलरेडी 1 क्यूबिक फीट में लगने वाला ब्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया है। मेरे एरिया में जिस साइज़ का ब्रिक्स यूज़ होता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच, जिसमें 9 इंच ब्रिक का लेंथ है, 4.5 इंच ब्रिक का विड्थ है और 3 इंच ब्रिक का हाइट है। ये साइज़ विदाउट मोटार है, और ब्रिक मशीनरी में जो मोटार यूज़ होता है वो 10 mm होता है। उसको जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.3937 इंच होगा, जिसको मैंने राउंड फिगर में 0.40 इंच ले लिया है। जब आपको किसी भी बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो वहाँ पे ब्रिक्स को मोटार के साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार निकालना होगा, जो कि होगा लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। जिसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 156.60 क्यूबिक इंच। यहाँ पे आप चाहें तो इस क्यूबिक इंच को क्यूबिक फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक इंच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार ये करना होगा। इसको पूरा कैलकुलेट करने पर 11 नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आता है, यानी 1 क्यूबिक इंच या 1 क्यूबिक फीट में टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो यूज़ होगा वो 11 होगा, जब ब्रिक का साइज़ 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच होगा। आपके एरिया में जिस साइज़ का ब्रिक्स यूज़ होता है आप उसी साइज़ में कैलकुलेशन कर लेना। अब मैं उस बिल्डिंग का प्लान ओपन करता हूँ जिस बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 BHK का एक प्लान ओपन किया है, जिसका प्लिंथ एरिया 31 फीट × 30 फीट 6 इंच है। अभी मैंने आपको 1 क्यूबिक फीट में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करके दिखाया था, जिसकी मदद से आगे पूरे बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि बिल्डिंग में जहाँ जहाँ कॉलम यूज़ होता है वहाँ वहाँ ब्रिक मशीनरी का वर्क नहीं होता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि बिल्डिंग में जहाँ जहाँ डोर और विंडो के लिए ओपनिंग होता है वहाँ वहाँ भी ब्रिक मशीनरी वर्क नहीं होता है। पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको कॉलम के बारे में बताया, उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ वहाँ वाल नहीं होगा। और दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको डोर और विंडो की ओपनिंग के लिए बताया, उसको आप इस एलिवेशन के ज़रिए समझ सकते हैं। इस एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि ये एलिवेशन इस बिल्डिंग का रोड साइड से फ्रंट एलिवेशन है। इसमें ये जो यहाँ पे डोर यूज़ हुआ है, इस डोर वाले जगह में ब्रिक मशीनरी नहीं होगा, यानी यहाँ पे ब्रिक का काम नहीं होगा। उसी तरह से ये जो विंडो है, इस विंडो में भी ब्रिक मशीनरी का वर्क नहीं होगा। तो जब पूरे बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे कॉलम और डोर और विंडो का जो ओपनिंग वाला स्पेस है उसको ध्यान में रखना होगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगल और एरिया कमांड की मदद से किसी भी बिल्डिंग में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
उसके लिए इस पूरी बिल्डिंग में जहां जहां वाल है यानी कि इनर वाल और आउटर वाल सारे जगह पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले मैं यहां पे कलर प्रॉपर्टीज में आकर के करंट वाला लेयर चेंज करके रेड कर लेता हूं, ताकि जब मैं वाल पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो वो क्लियरली शो हो। अब रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करने के लिए आते हैं ड्रॉ टूल बार में और यहाँ से रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक करते हैं। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉलम वाले जगह पे ब्रिक मेसनरी नहीं होता है, इसलिए कॉलम को छोड़कर के बाकी जगह जो वाल है उस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैंने विंडो वाला जो ओपनिंग एरिया है उसको भी रेक्टेंगल से कवर कर लिया है। सबसे पहले पूरे वाल पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सारे वॉल का एरिया निकाल लेंगे। टोटल वॉल का एरिया निकालने के बाद बिल्डिंग में जो वॉल का हाइट है उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे पूरे बिल्डिंग के वॉल का वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद बारी बारी से डोर और विंडो का जो ओपनिंग एरिया है उसका वॉल्यूम निकाल करके वॉल के टोटल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे एग्जैक्टली ओपनिंग को छोड़कर टोटल वॉल का वॉल्यूम निकल जाएगा। 1 क्यूबिक फीट में यूज होने वाला टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी मदद से बिल्डिंग में यूज होने वाले टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स को आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिलहाल पूरे वॉल पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से बिल्डिंग के इनर और आउटर सभी वाल पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद एरिया कमांड को यूज़ करके सारे रेक्टेंगल का एरिया एक ही बार में निकाल लेंगे, जिससे पूरे बिल्डिंग के वॉल का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कमांड को यूज़ करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे AREA और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे एड एरिया वाले ऑप्शन में और यहाँ से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। बारी बारी से सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते जाएंगे, जिससे रेक्टेंगल का एरिया ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा। और फाइनली पूरे रेक्टेंगल का एरिया मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा रेक्टेंगल हाइलाइटेड है, यानी सारे रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे निकल चुका है, जो है 120.694 स्क्वायर फीट। मैं इसको मेंशन कर लेता हूं। अब यहां पे एरिया कमांड का काम खत्म हो चुका है, तो एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाते हैं। अब बिल्डिंग के पूरे वॉल का वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इस बिल्डिंग में जो वॉल हाइट है वो 10 फीट है। तो बिल्डिंग के इनर और आउटर वॉल का एरिया निकला था 120.694 स्क्वायर फीट, जिसको 10 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद बिल्डिंग के वॉल का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1206.94 क्यूबिक फीट। अब इसके बाद बिल्डिंग में जहां जहां ओपनिंग है यानी जहां जहां डोर और विंडो है वहां वहां रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा।
पहले डोर और विंडो के ओपनिंग का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके हाइट से उसको मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फिर वॉल के टोटल वॉल्यूम से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे बिल्डिंग के पूरे वॉल का एग्जैक्टली वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ पे इस वॉल के ऊपर जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसका काम खत्म हो चुका है, तो उसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब प्लान में जहां जहां विंडो है पहले उस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे REC और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। इस पोजीशन से इस पोजीशन पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करके दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव कर लेंगे और इस तरह से इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से इस पोजिशन पर फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी विंडो है इसलिए यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। इस वेंटिलेशन पे रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटा सा स्पेस होता है, इसलिए उसको इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बिल्डिंग में जहां जहां विंडो था वहां वहां मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे एरिया कमांड को यूज करके। तो एरिया कमांड को यूज करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे AREA और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे एड एरिया में और यहाँ से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, बारी बारी से सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारा रेक्टेंगल हाईलाइटेड हो चुका है, जिसका एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया है 28.75 स्क्वायर फीट। बिल्डिंग में जो विंडो यूज होता है उसका हाइट 4 फीट होता है, तो यहाँ पे इस पूरे विंडो का जो वॉल्यूम निकालेंगे उसके लिए 28.750 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा 115 CFT, जिसको कि मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ विंडो 115 CFT। इसी तरह से अब जहां जहां डोर के लिए ओपनिंग है उस जगह पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। अब यहां पे एरिया कमांड का काम खत्म हो चुका है, तो मैं एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाता हूं। अभी विंडो पे जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है उसका भी काम खत्म हो चुका है, तो मैं उसको भी इरेज कर देता हूं। अब जहां जहां डोर के लिए ओपनिंग है वहां वहां रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड को यूज करने के लिए फिर से कमांड में टाइप करेंगे REC और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे भी ओपनिंग है तो यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी ओपनिंग है, यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से डोर के लिए जो भी ओपनिंग स्पेस था वहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब एरिया कमांड को यूज करके सारे रेक्टेंगल का एरिया एक ही बार में निकालेंगे। एरिया कमांड को यूज करने के लिए फिर से AREA लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे एड एरिया में और यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते जाएंगे। सारा रेक्टेंगल सिलेक्ट होकर के हाईलाइटेड हो चुका है और यहाँ पे सारे रेक्टेंगल का टोटल एरिया भी निकल चुका है 8.542 स्क्वायर फीट। बिल्डिंग में डोर का जो ओपनिंग होता है वो 7 फीट होता है। डोर के ओपनिंग का टोटल एरिया निकला है 8.542 स्क्वायर फीट, जिसको कि 7 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद डोर ओपनिंग का जो वॉल्यूम आएगा वो होगा 59.794 क्यूबिक फीट, जिसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। अब डोर और विंडो के ओपनिंग का जो टोटल वॉल्यूम निकला है उसको ऐड कर देंगे। जो हो जाएगा 174.79 क्यूबिक फीट। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में से डोर और विंडो के ओपनिंग का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जिससे बिल्डिंग के वॉल का एग्जैक्टली वॉल्यूम निकल जाएगा, जो होगा 1032.15 क्यूबिक फीट।
मैंने ऑलरेडी 1 क्यूबिक फीट में यूज होने वाले ब्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया था जो कि आया था 11। इस बिल्डिंग के पूरे वॉल का वॉल्यूम आया है 1032.15 CFT जो कि विदाउट ओपनिंग है, जिसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके बाद बिल्डिंग में यूज होने वाले टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स का पता चल जाएगा। जो कि होगा 11,353, यानी इस पूरे बिल्डिंग में यूज होने वाला टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा 11,353। आप चाहें तो इसमें 5% वेस्टेज ब्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी 11,353 का 5% और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इस बिल्डिंग में यूज होने वाला निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो इस बिल्डिंग का टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाला है वो प्लिंथ लेवल से ऊपर और रूफ लेवल से नीचे का है। इसी तरह से आप प्लिंथ लेवल के नीचे का भी ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इस बिल्डिंग के सिर्फ आउटर वाले वॉल का कैलकुलेशन करना होगा। जितना आएगा उसको आप टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स में और ऐड कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर के रूफ तक टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इस बिल्डिंग में कितना यूज होगा। उम्मीद है इस वीडियो का कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड कमांड्स की मदद से बिल्डिंग में यूज होने वाले टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये वीडियो आपके काम का हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।